हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड दिस इज़ अभिमन्यु IAS, अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज़ गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज, जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. है ना, शुरू करें बच्चे आज का टॉपिक्स. आज के टॉपिक्स बहुत मजेदार से हैं. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आज के विच में सीम सिंपल, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे भी आपको सिंपल लगेगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. बट देर आर सर्टेन इंटीग्रिटीज यहाँ पे जो हिडन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको काफ़ी देखने को मिलेगी, राइट? वो मैं हाईलाइट करता रहूँगा टाइम टू टाइम. साथ साथ में बच्चे इसके साथ में ना कुछ टॉपिक्स और भी पैरेलली हाईलाइट होंगे, राइट? वो मैं आपको भी बताता रहूँगा कि आपने अपने लेवल पे क्या पढ़ना है. और मोस्टली जो जिस पे मतलब मुझे आप पे भी भरोसा नहीं है कि आप वो सही से पढ़ोगे या नहीं, वो मैं साथ लेके आया हूँ, ठीक है? और अगर तुमने तीसरे टॉपिक तक नहीं मुस्कुराया और क्लास का माहौल नहीं ठीक किया, फिर मैं भी मनहूस हो जाऊंगा, ठीक है? हाँ, सौदा खरा होना चाहिए. मैं क्यों देखूँ ऐसे उदास चेहरे भाई, हद होगी. मेरे को मेरी ज़िंदगी में क्या है बताओ, ऐसा मेरी क्या मजबूरी है? टेंशन हो रही है, अक्टूबर ख़त्म हो रहा है इसलिए हो रहा है. अगर वो हो रहा है फिर जायज़ है कि अक्टूबर अभी जा रहा है ना, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब में आपकी आ जाएगी नोटिफिकेशन ना. और मैंने वो आपको फ्यूल दे दिया है ना, ये मसला है जिंदगी में. मैं भी सोचूं क्यों उदास हैं लोग. आप लोगों के कुछ कुछ बच्चों के आंसर्स में मतलब सम पीपल आर राइटिंग वेरी गुड इंग्लिश, है ना? उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी आ रही है, उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत करेक्ट है. एक एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आइडेंटिफाई हुआ है इसमें ओवर द पास्ट 2-3 मंथ्स कि जिनकी इंग्लिश तो उतनी सही नहीं है लेकिन उनके पॉइंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, राइट? सो नुकसान नहीं है उसमें कि अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाने शुरू कर देंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो हाईलाइट हो जाता है पॉइंट. मतलब अगर आपने गलत लिखा होता है ना, गलत ग्रामर लिखी होती है, तो वो कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप, क्योंकि आपने लैंग्वेज चुनी है, इंग्लिश आप ही ने चुनी है, राइट? तो आप अपनी लैंग्वेज को सही से नहीं बोल रहे हो, तो कुछ रिफ्लेक्ट होता है उसमें कि आप समवट डिसऑनेस्ट हो. तो ट्राई करो कि जो भी आपने लैंग्वेज पकड़ी हुई है, राइट, वो सही से लिखें, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में ही है, वो हिंदी में आंसर उन्होंने सबमिट किया था, राइट? एंड हिंदी बहुत अमेजिंग है वहाँ पे, राइट? तो कोई भी जो भी आप लैंग्वेज पकड़ते हो, राइट, उसको थोड़ी सी इज्जत दे के लिखना उसे, ठीक है जी? छोटे बच्चों को नहीं लिखना तुतला के कि सेंटेंस आप कुछ बना रहे हो. विमेंस नहीं करना, विमेंस कोई वर्ड नहीं होता, मेंस कोई वर्ड नहीं होता अनलेस एंड अंटिल अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ठीक है जी? चलिए शुरू करते हैं. सो एक स्टडी आई है रिसेंटली, ये हमने इस टाइप के मेंस के क्वेश्चन किए भी थे, दैट इज व्हाई आई हैव पुट इट हेयर, राइट? कि क्यों हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, किसने स्टडी करी है, वो इतना आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी पे हमने ध्यान देना है. हाउएवर जो स्टडी है दैट इज डन बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इनकी ये स्टडी है. तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट अगर आप इंट्रो ही देखेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है दैट चेंजेस इन द वर्ल्ड क्लाइमेट एंड लैंड यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हाईलाइट कर रहा हूं, आर शार्पली रिड्यूसिंग the number of insects needed for pollinating crops. तो कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि pollinators जो हैं उनकी आबादी कम हो रही है.
अब आगे वाला टॉपिक तो हम बाद में देखते हैं कि हो क्या रहा है और क्या है. पॉलिनेटर्स क्या होते हैं ये पता है? लिख लेते हैं, आ जाओ थोड़ा सा, एक एक लाइन में ही बस लिखते हैं इसको. एनीथिंग दैट हेल्प्स carry pollen from the male part of the flower. कौन सा होता है? स्टेमन होता है, पिस्टल होता है? ठीक है. अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा होता है, तो इसके अंदर द वर्ड मैन इज देयर, राइट? सो उससे आप याद रख सकते हो, स्टेमन. फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमन. टू द फीमेल पार्ट, ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज अ पॉलिनेटर. इसका सब पॉइंट बना लो. पॉलिनेटर्स हेल्प अबाउट बाकियों का कौन करता है? फ्लावरिंग प्लांट है तो मतलब पॉलिनेशन तो चाहिए. पॉलिनेटर नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? अदर फोर्सेस, हवा, पानी, है ना? और सेल्फ, अगर बाय चांस खुद से ही गिर गया पॉलन तो, राइट? तीन टाइप के और होते हैं, सेल्फ, नेचुरल फोर्सेस और आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल कुछ कुछ मशीन्स आती हैं. ये स्टेमन पार्ट होता है इसमें बच्चे, यहाँ पे फिलामेंट एंड एंथर होता है, यहाँ से पॉलन स्प्रे आउट होते हैं, राइट? जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं, है ना? वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और यहीं से रिलीज होता है. यहाँ पे वैसे एक और चीज हम लोग मेंशन कर सकते हैं राइट नाउ, इफ यू वांट टू राइट. फीमेल फ्लावर्स, ये आपका स्टैटिक का पार्ट है थोड़ा सा वैसे, बट लेट्स डू इट. फीमेल फ्लावर्स हैव पिस्टल्स, PISTIL. Female flowers have pistils and male flowers have stamens, STAMENS. दो चार फैक्ट पॉइंट्स देता हूं आपको साथ साथ में. बाय द वे, जिन फ्लावर्स के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, राइट, तो
तो उनको हम मोनोईशियम्स बोलते हैं, राइट। लिख लेते हैं इसको भी, आ जाओ। यहां से शुरू कीजिए आप। अ प्लांट दैट फर्टिलाइजेस इट्स ओन ओव्यूल्स विद इट्स ओन पॉलन आर कॉल्ड सेल्फर्स, SELFERS। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ फ्लावर हैज बोथ फीमेल एंड मेल पार्ट्स, ये PCA से पूछ सकते हैं आपसे, वो हल्का सा NCERT के बियॉन्ड जाने की आदत है उनकी, हल्का सा, तो वो यहीं तक जाती है उसकी दौड़। कॉमा, इट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइटिक, HERMA PHRODITIC। ये जितने भी आपने एक्चुअल फ्लावर्स देखे होंगे ना, वो बुकेज वगैरह के अंदर, वो आपके मोस्टली सारे ये हर्माफ्रोडाइटिक ही होते हैं। आपका रोज, लिली, हिबिस्कस, एनी प्लांट दैट यू सी, राइट। नेक्स्ट लिखिए, समटाइम्स देयर आर सेपरेट फीमेल एंड मेल फ्लावर्स, कॉमा, बट दे आर ऑन द सेम प्लांट। दीज आर कॉल्ड, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोईशियस, MONO, एक ही वर्ड है ये, MONOECIOUS, मोनोईशियस। ईशियस का मतलब होता है हाउस, मोनो मीन्स वन, वन हाउस। एक और पॉइंट लिखिए, सम प्लांट्स, ये ना आपको मल्टीपल उसके अंदर आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लांट रिप्रोडक्शन, तो ये वो वाले पॉइंट्स है, इसलिए लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है जी। सम प्लांट्स आर इंडीड ओनली मेल और ओनली फीमेल, बाकियों के एग्जाम्पल्स तो खैर आप ढूंढ लोगे, ये मैं आपको बता देता हूं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, कीवी, कीवी, KIWI, कीवी एंड कैनबिस, ठीक है जी, यही है जिससे कोई ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप स्टैटिक में पढ़ोगे ही इसको, है ना, NCERTs में है ये सब कुछ ऑलरेडी। आइए बच्चे, डॉक्यूमेंट पे आइए वापस। बाय द वे, दीज आर द पॉलिनेटर्स, तो वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
हाउ मनी ऑफ द फॉलोइंग आर इज आर पॉलिनेटर्स, है ना, तो उसमें आप एक बारी थोड़ा सा एक बारी नज़र मार लीजिए कि क्या कुछ पॉसिबल है उसमें. जिसके साथ में भी पॉलन स्टिक हो सकता है ना, वो पॉलिनेटर है जंगल के अंदर. ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ मंकीज तक लिखा हुआ है यहाँ पे, बट बेयर्स ऑल्सो. आइए आइए नीचे देखते हैं बच्चे, इसमें आइए. यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक कॉफी, कोकोआ, वाटरमेलन एंड मैंगो फेस अ पोटेंशियल क्राइसिस ड्यू टू द लॉस ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. ठीक है, अब आपके लेवल पे क्या काम होगा इसके अंदर, कि ये जितनी भी यहाँ पे ये बताए गए हैं, इधर क्रॉप्स बताई गई हैं, प्लांट्स बताए गए हैं, इसके बारे में देख लेना है कि इंडिया में क्या चल रहा है, इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ मेजर मेजर होती है, जो भी लिस्ट आई है यहाँ पे. तो वैसे आप कॉफ़ी और ये कोकोआ इन सबको तो कवर करते हो, मैंगो भी समवट कवर होता है एनसीईआरटीज में, ये वाटरमेलन कवर नहीं होता वहाँ पे. तो इसको देख लेना कि कब लगता है, क्या क्या टाइप्स है इंडिया में, ये सब सारी चीज़ें आपको अपने लेवल पर करनी है. फैक्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अबाउट 35% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल पॉलिनेटर्स. तो आपको समझ में आया कि हमारे टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये, दैट्स वाई वी आर रीडिंग इट. इसलिए हम पॉलिनेटर्स को समझ रहे हैं. किन किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बोला है, दैट इज इफ यू सी द की फाइंडिंग्स, उसमें लिखा हुआ है दैट ऑल्टर्ड क्लाइमेट एंड चेंज इन लैंड यूज, ये दो चीज़ें बोली हैं उसने. लैंड यूज का कैसी बात कर रहा है वो, लैंड यूज पैटर्न चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सेकेंड इज, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इज दैट डिक्लाइन इन द परसेंटेज, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन विच इज डिक्लाइन बाय 61%. ये काफ़ी ह्यूज डिक्लाइन है, राइट? तो अगर आप कोट करना चाहो तो इसको यहाँ से कोट कर सकते हो आप. इसके अलावा इफ़ यू सी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन, यहाँ आपको यूपीएससी की तैयारी का मजा आने वाला है. मोस्ट अफेक्टेड रीजन देखिए, सब सहारन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया. हंगर के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज कौन से हैं, यही वाले, राइट? अगर आप साउथ अमेरिका को निकाल दीजिए, क्योंकि उनका मरीन कल्चर भी है उनके पास, अदरवाइज जो बाकी जगहें हैं वहाँ पे मरीन कल्चर जहाँ पे इतना नहीं है वहाँ पे आपको हंगर देखने को मिलती है, राइट? और यहीं पे वो बोल रहे हैं कि 61% आपके पॉलिनेटर्स और इंसेक्ट्स का जो है डिक्लाइन हुआ है, और उनके बिना होता नहीं है काम. वो हमने ऊपर देख लिया, हमने फैक्ट लिखा था ना एक बच्चे भी 80% वाला, राइट? सो इनके साथ में आपको एक पिक्चर हाईलाइट होगी जहाँ पे आपको यूपीएससी कोई सवाल पूछेगा. ये तीनों चीज़ें फैक्ट क्लियर रखना कि कैसे आपस में लिंक होता है, क्या पूछना है वो देख लेंगे वो. ये थोड़ा सा क्लियर रखना कि हो क्या रहा है, कि पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड हैं आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकें, और वही आपकी क्रॉप्स हैं, और पॉलिनेटर्स कम हो रहे हैं. क्यों कम हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ, जिन्होंने दो फैक्टर दिए, क्लाइमेट चेंज और लैंड यूज पैटर्न. एक वेब सा बन गया पूरा. हाँ, अब विल सी कि वो पूछते क्या है, कि कौन सी टांग पकड़ने को बोल रहे हैं, कौन सी लिंक पकड़ने को बोल रहे हैं, राइट? आपके लेवल पे ये काम है, ठीक है जी. इसके अलावा उन्होंने मेन फैक्टर्स दे दिए नीचे. मेन फैक्टर्स आपके आपके लिए मैंने बुलेट में कर दिए कन्वर्ट. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इम्प्रॉपर लैंड यूज सच एज ग्रेजिंग एंड फर्टिलाइजर एंड क्रॉप मोनोकल्चर और फार्मिंग. अभी जो हमने आंसर लिखा था आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, लास्ट आंसर वही लिखा था, याद है? लास्ट टू लास्ट जो अभी चेक होके मिला वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला आंसर है. तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये सारे पॉइंट वैसे बेसिकली उसके आपके इम्पैक्ट के अंदर आता है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के. एक पॉइंट जो बच्चे आप सबने मिस कर रखा था, आई थिंक शायद किसी एक ने लिखा हुआ था, इज दैट कि आपकी सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होती है इससे. वर्ल्ड में आप थोड़ी सी इज्जत के साथ स्टैंड हो पाते हो, तो आपके डिप्लोमेसी के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपका अपर हैंड आता है, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के. ऑलमोस्ट सबने ये पॉइंट मिस किया था उसके अंदर, राइट? कि अगर आप सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हो तो एक्चुअली आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है, और जब आपकी ग्रोथ होती है तो चढ़ते सूरज का सलाम होता ही होता है, है ना? कब करते हो सूर्य नमस्कार? सुबह. क्यों? सारा दिन क्यों नहीं कर रहे हो? सूर्य चेंज हो गया. हाँ, आदत है हमारी, राइजिंग सन को सलाम होता है. तो ये वो चीज़ है ये, ठीक है. चलें आगे, दो टॉपिक्स और देखूंगा तुम्हें मैं. अगर तुम्हारे चेहरों पे स्माइल नहीं आई फिर मैं टॉपिक घुमा दूंगा इसके अंदर. इसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट का भी आया है आज,
वो टॉपिक भी है, उसको बहुत रंग दिए जा सकते हैं, है ना। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये ऐसे पिक्चर आपको इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, बट आपकी मेट्रो जो है वो यहाँ पे काम करती है, जो आपका RRTS है वो NCR को पूरा कवर करने वाला है, राइट। NCR के अंदर आपके 24 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, है ना। हमने किया हुआ NCR कवर, कि NCR बोलते हैं किसको, NCR इज़ नॉट ओनली दिल्ली, है ना, बस इसके अराउंड की हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारी स्टेट्स के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं, और उस पूरे रीजन को NCR बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, हाँ, तो टेक्निकली वी शुड कॉल इट NC रीजन, है ना, साउंड्स लाइक अ रैपर, इसलिए हम NCR ही बोलेंगे इसको। आइए, तो RRTS, राइट, तो इंडिया में यहां पे लागू हो रहा है ये, क्या करता है, इट इज एन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड किसकी वजह से, कि हम इसको मेट्रो के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट, दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड। मास ट्रांजिट नेटवर्क, सिंपल इनफ, लोगों को लाने जाना, राइट, थ्रू कनेक्टिविटी, थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस अक्रॉस द NCR, NCR का इफ यू वांट टू राइट, आप एरो डाल के लिख सकते हो बच्चे, 24 डिस्ट्रिक्ट्स, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली अगर उसमें आप देखोगे, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय NCRTC, राइट, विच इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। व्हाई दीज फोर, हाँ, राइट, तो NCR के अंदर भी इन्हीं का एरिया है, तो ये भी आपका उसमें आ सकता है एग्जाम के अंदर। UPSC तो नहीं पूछेगा, PCS वाले पूछ सकते हैं कि NCR रीजन के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और अगर और UPSC जहाँ पे जाएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे देगा और आपको बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ NCR, और वो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे क्लेश मचा होगा कोई ना कोई, ठीक है, इसलिए वो आएगा, नहीं तो अदरवाइज वो ऐसा सवाल पूछेंगे नहीं। आपको सारे 24 याद रखने की जरूरत नहीं है, मैप जरूर देख सकते हो पर आप NCR का, हाँ, बस इसको एक बार ही नज़र मार लेना आप, है ना, ये मिल जाएगा आपको नेट पे। वो मैप से आपको याद रहेगा वहां पे कि कौन सी स्टेट के क्या है, किधर क्या चल रहा है, राइट। चलिए, ये तो आप आगे देख ही लोगे, मुझे आप ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होगा इससे, व्हाई आर वी डूइंग इट, सिग्निफिकेंस मुश्किल हो रहा है, बेनिफिट्स बता दो, वट आर दी बेनिफिट्स ऑफ, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, अगर हम बेनिफिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्वेश्चन पूछ ही लिया ना वट आर दी बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स ना एक बहुत माइक्रो एंगल होता है ना, जैसे वो है नहीं, एक वो बिग बॉस में भी आया था वो, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है ना, वो हर डायलॉग में उसको कहता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तो आप बताओ इसमें आपका क्या फ़ायदा है, इसमें माइक्रो फ़ायदा क्या है, हाँ, राइट, वो तो सारा ही है, डेंसली पॉपुलेटेड है, हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, उसके लिए हमारे पास दूसरे कॉरिडोर्स भी हैं, वो इससे नहीं जाएगा, हाँ हाँ, ये मास ट्रांजिट है, इसके नाम में है वो, इट्स अ मास ट्रांजिट, मास ट्रांजिट का मतलब लोगों के लाने जाने के लिए, रॉमेट ज्यादा नहीं होगा, हमने बाहर को अंदर कनेक्ट कर दिया, तो मतलब क्राउड बढ़ेगा और कम हो जाएगा, हाँ। तो मतलब क्राउड तो नहीं कम हुआ, वो तो सर असी सरकार तो कहेगी ना, हाँ, इस टाइप के एंगल पे जा सकते हैं हम कि पॉल्यूशन लेवल कम होगा। बेसिकली यहाँ पे ना ये अलग अलग हब्स हैं, जैसे कुछ कुछ मेजर कंपनीज जो हैं वो आपको, जैसे रिसाइकलिंग रिलेटेड कंपनीज जो हैं वो आपको सोनीपत और पानीपत और इस वाले एरिया में मिलेंगी, करनाल वाले एरिया में देखने को मिलेंगी, राइट।
आईटी हब जो है आपको वो इधर गुरुग्राम की तरफ फरीदाबाद की तरफ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये सारे हब्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, राइट, कि हब्स में इंटरकनेक्टिविटी हो। इसके अलावा थोड़ा माइक्रो में सोचो, इजी सोचो, इजी मेट्रो से तेज है ये। आप एक बार जरा पॉइंट नंबर देखेंगे, हाँ लास्ट पॉइंट देखिए, दीज ट्रेन्स विल ट्रेवल सिग्निफिकेंटली फास्टर देन मेट्रो ट्रेन्स। बिजनेस को बूम मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा बिजनेस को बूम? फास्ट है, दिस इज द वर्ड, फास्ट है, आपने टाइम बचाया है ना, यहां तक पहुंचो। और अब क्योंकि तेज है तो एक और चीज होगी, दैट इज कि इसमें ना फिर, हाँ यहां पे लिखा होगा टाइम एफिशिएंसी, ग्रेट। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तेज है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये तीन चार पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे, करेक्ट, ऐसे सोचना है। कनेक्टिविटी इन बिटवीन वेरियस हब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत टाइप की, हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे वैसे, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? मेट्रो तो बाहर जा ही नहीं रही, राइट, इंडियन रेलवे से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। जब हम ये पॉइंट बोलते हैं ना, कन्वेंशनल गाड़ियां वाड़ियां तो है ही है, प्लस यहां जो डायरेक्ट कंपैरिजन है दैट इज विद द इंडियन रेलवेज एंड इट इज फास्टर। बच्चे आप जब यहां पे, सबसे पहली बात जब प्रोजेक्ट बनेगा वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, इसके बाद में जो तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है उसके वहां पे उनको, प्लस जो आसपास ई रिक्शा चलते हैं उनको, और फिर वो कितनी सारी रेडियां लग जाती हैं उधर। अभी तो मेट्रो स्टेशन ही नहीं है ना, अभी तो स्टेशन ही नहीं है, बन रहा है ये, अंदर तो मेट्रो है जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे तो है मेट्रो, ये बाहर को जा रहा है। बच्चे आइए ये देखिए, आप थोड़ा देखिए आपको समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चे, 8 कॉरिडोर्स विल बी डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट, ऑफ विच 3 आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन फेज 1, जो भी चल रहा है करंटली, दैट इज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, देन वी हैव दिल्ली गुरुग्राम, SNB अलवर। SNB इज बच्चे शाहजहानपुर, ये नाम है, SNB फॉरगेटिंग, शाहजहानपुर नीमराना लिखना है, शाहजहानपुर नीमराना, यार एक और मेजर हब पड़ता है यहाँ पे, बहरोर, BEHROR, बहरोर। ठीक है, हो गए पूरे, हो गए, SNB हो गया, शाहजहानपुर नीमराना, NEEMRANA एंड बहरोर, BEHROR। ठीक है, एंड आपका आखिरी है दिल्ली पानीपत, ये फेज 1 के अंदर होगा इसके अंदर, राइट। इसमें ना आपको प्री का सामान थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मेंस में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। इफ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, यहां पे थोड़ी वर्डिंग की प्रॉब्लम है बच्चे। यहां पर ना जो नमो भारत है ना, दीज आर दी ट्रेन्स नेम, कर दो इसको एरो डाल के, जो यहां पे चलेंगी RRTS के, तो जो ट्रेन्स चलेंगी उस ट्रेन का नाम है नमो भारत। और मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नहीं है। ठीक है, ये है आपके प्री के पॉइंट्स। और ये मॉडल हमने जो है यूरोपियन नेशन से कॉपी किया है, राइट, वहां पे ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, लाइक RER,
आई थिंक इट्स इट स्टैंड फॉर रूसो एक्सप्रेस रेलवे समथिंग, कुछ ऐसा नाम है, आर ई आर ऊपर लिखा हुआ है। रूसो एक्सप्रेस रीजनल, राइट। एंड देन वी हैव सेप्टा, साउथ ईस्ट पेंसिल्वेनिया, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, राइट। तुमने वहां से इसको कॉपी किया, इंस्पायर हुए हैं, डू नॉट यूज द वर्ड कॉपी, हम लोग वहां से इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, चलिए आगे। अमृतकाल विजन 2047, पीसीएस लेवल तक अगर क्वेश्चन आएगा इसके अंदर तो वो कुछ ऐसा पूछेंगे, अमृतकाल विजन 2047 डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, एग्रो रिफॉर्म्स, इस टाइप से चीज़ें वो कर देंगे, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ये वो। तो इसका है कि इट इज फोकसिंग ऑन द मैरीटाइम रिफॉर्म्स। और अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ है मुंबई के अंदर, राइट। तो वहाँ पे आपके पीएम ने इनको लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया था, राइट। आइए, तो क्या करना चाह रहे हैं ये, पहली बात तो ये एक ब्लूप्रिंट है कि आने वाले टाइम में हम अपने मैरीटाइम सेक्टर को किस तरीके से डेवलप करेंगे, राइट। अब क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर बोल दिया तो इसका मतलब समझो इस बात को कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया भी है एंड अंडर डेवलप्ड भी है साथ साथ, तो मतलब कि हमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर डेवलपमेंट करनी है, यही है आपका मुद्दा आज का। और पिछले कई आंसर्स वगैरह पढ़ पा रहे हो ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर और उसके बीच का लिंक, क्लाइमेट चेंज के बीच का लिंक, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कैसे करें जहाँ पर ज़रूरत है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, राइट। सो ये डॉक्यूमेंट इसलिए आज आपके क्लास का पार्ट है, राइट। ये इसमें आपको कुछ कुछ हाईलाइट करते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को टैकल किया कैसे जाता है, अदर देन द फैक्ट कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। आइए बच्चे देखते हैं, पहली लाइन तो वही जिस घिसी हुई लाइन जिससे आप लोग भी क्वेश्चन शुरू करते हो कि हमने करना है, आउटलाइन कर दिया, इनिशिएटिव आउटलाइन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट एनहेंसिंग पोर्ट फैसिलिटीज। पोर्ट फैसिलिटीज से मतलब ये है कि अभी जो हमारा करंट टर्न अराउंड टाइम है शिप्स का, टर्न अराउंड टाइम समझते हैं, जब से शिप आई है और जब उसको हम भेज रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 60 आवर्स। और जो वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है दैट इज इन जापान, दैट इज क्लोज टू 8 आवर्स, 8 घंटे के अंदर उनका शिप लगता है वहाँ पे, और शिप अगर दोबारा भी लोड करना है लोड करके 8 घंटे में वो टर्न अराउंड कर जाता है, चला जाता है वो वापस हाई सीज के अंदर, 8 आवर्स, राइट। एक शिफ्ट सिर्फ, कमर्शियल शिफ्ट ओनली वन शिफ्ट, हमारे लगता है 60 आवर्स एवरेज, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, देर आर टाइम्स जब यहाँ पर ढाई ढाई मंथ भी लगते हैं, राइट, क्योंकि वहाँ से कंटेनर हटेगा तो नया कंटेनर वहाँ पे शिप लगेगी उधर, राइट। इसको आगे करने से पहले क्यों ना एक छोटी सी डिस्कशन कर लें हम, चैलेंजेस इन द मैरीटाइम सेक्टर, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक, ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक टेक्निकल बता दिया पॉइंट, है ना, कि टर्न अराउंड टाइम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, मैरीटाइम सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, बोलते रहो, सारे पॉइंट्स वैलिड है, पुअर टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, लिखते भी रहो साथ साथ, जो पॉइंट वैलिड लगेगा लिख देना। हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया। बच्चे जो ऑनलाइन है आप भी मेरे को यहां पर लिख के भेजो,
टेक्नोलॉजी ना होने से क्या होता है? पोटेंशियल, हाँ, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो मतलब आप पोटेंशियल टैप नहीं कर पा रहे हो। पोटेंशियल किसका? मैरिटाइम सेक्टर का। और थोड़ा ब्रॉड टर्म अगर बोले तो ब्लू इकोनॉमी है ना, वी आर नॉट एबल टू टैप द फुल पोटेंशियल ऑफ द ब्लू इकोनॉमी ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पोर्ट फैसिलिटीज, मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट, राइट, और आपका मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ये सब कुछ कम है, मिसिंग है, नॉट अप टू द मार्क है। और बताओ, मैरिटाइम सेक्टर इन जनरल, इसमें सारे इंक्लूड होंगे, इसमें शिपिंग भी इंक्लूड होगी, इसमें एक्वाकल्चर भी इंक्लूड होगा, इसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूड होगी, मैरिटाइम सेक्टर एज अ होल, इंडियन नेवी से लेके एक आम मछुआरा जो बैठा हुआ है किनारे पे, सारे इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? शॉर्ट करो बच्चे पॉइंट अपना, ये समझाओ, अगर आपके पॉइंट अच्छा होगा, दम होगा पॉइंट में, वो पहली आपकी एक लाइन में समझ में आ जाएगा। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मींस व्हाट? ये हमारा चैलेंज हो गया, ठीक है, सही बोल रहे हैं। ऑयल स्पिल, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ऑयल स्पिल अभी रुक जाओ, ये मत लिखना, ऑयल स्पिल को और थोड़ा सा ब्रॉडर अम्ब्रेला में डालते हैं। मरीन पोल्यूशन बोल दें, है ना, उसमें इंक्लूड लिख दीजिए, मरीन पोल्यूशन। और बताओ बताओ, कुछ तो आएगा दिमाग में। चैलेंजेस पे बात करो, अभी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसको कैन वी राइट एज ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, है ना। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से? कि यार इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए, वो वाले थ्रेट्स हैं, टेररिज्म और ये सब। नॉन ट्रेडिशनल होता है कि अभी लास्ट ईयर इंडियन नेवी की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर 100 चाइनीज नेवी को, चाइनीज वेसल्स को मॉनिटर किया था, तो ये आपको होगा नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। हालांकि आजकल वर्ल्ड में नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट ही चल रहा है, तो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ये हमने अभी तो बहुत आसानी से लिख दिया, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। अगर इसको आपने पंगा ले लिया पेपर में करने का, तो थोड़ा सा लिख देना इसके बारे में कि क्या मतलब है आपका ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल से, ठीक है। और वेरी गुड बच्चे, किसने बताया था ये आप? हाँ, ऐसे सोचो, जो हमने लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी है, इस उसके साथ में आप सब पॉइंट बना सकते हो। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स, हाँ बच्चे, हार्म टू मरीन लाइफ, यूट्रोफिकेशन, ये सब कुछ सही है, ये हम इसको मरीन पोल्यूशन में डाल देंगे। हाँ जी, कौन सी वाली? अपडेटेड नहीं है, पॉइंट ठीक है। ये मरीन पोल्यूशन में आ जाएगा ना, वैसे टेक में और मरीन पोल्यूशन में दोनों में ये करेगा, मतलब डिपेंड करता है वो किस एंगल से बोल रहे हैं। तो ओल्ड, अच्छा कैसे बोल रहे हो कि अगर मान लो एक ओल्ड वेसल है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? कार्गो, ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है पर आप बोल नहीं पा रहे हो, इट्स राइट देयर पर आप वो, मतलब इट्स सिमिलर टू कि जो आप अगर मान लो आपने घर पे पुरानी गाड़ी रखी होगी, उससे मेंटेनेंस से भी ज़्यादा खर्चा आएगा, वो तेल भी ज़्यादा खाएगी, राइट, और आपको ले जाने में भी दिक्कत होगी, है ना, फिर सुमो करके जाओगे आप, ठीक है। और
लिखे IUU फिशिंग कैपिटल्स में, पढ़ा हुआ इसके बारे में, याद है? टर्म तो याद आई होगी, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये टर्म है एक, IUU फिशिंग, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड। Higher turnaround time, ब्रैकेट में लिख लो 62.16 आवर्स, देन द ग्लोबल एवरेज। इसके एग्जांपल लिख सकते हो ब्रैकेट में, जापान 8.16 आवर्स, बस बाकी सारी ये ताइवान हांगकांग जो लीडर्स है ना इसमें, वो इस वजह से लीडर्स हैं यहाँ पे कि इनका टर्न अराउंड टाइम बहुत अच्छा है। तो क्यों होगा टर्न अराउंड टाइम अच्छा? वेसल को लगाया भी जल्दी जा रहा है, उनका वेटिंग टाइम भी नहीं है, और इमीडिएटली काम जैसे ही वैसे लग रहा है आके वैसे ही उस पर सामान उतर रहा है और चढ़ रहा है ना, समटाइम्स साइमल्टेनियसली, राइट? आइए बच्चे वापस आइए डॉक्यूमेंट में, थोड़ा समझ में आया कि क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक हम, ये प्रॉब्लम्स हैं। आ सकता है, आई विल टेल यू हाउ, बिकॉज ये जिस पोर्ट की हम इसमें हम बात, एक और पोर्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, इफ़ यू सी टॉपिक नंबर 5, विजिंजम पोर्ट, राइट? तो वो इस हिसाब से पोर्ट लोकेशन डिसाइड की गई है जहाँ पे मिनिमम इफेक्ट है, वो ऑल वेदर पोर्ट टाइप बनाया गया है कि वहाँ पे तूफान कम आते हैं और वहाँ पे ड्रेजिंग कम करनी पड़ती है, राइट? सो वेदर इस तरीके से रेलिवेंट है यहाँ पे, पर इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत वाइड है, अगर हम इतना माइक्रो में ना जाएं यहाँ पे, डिपेंड करेगा कि पूछा क्या गया है। अगर हम मैरीटाइम सेक्टर की बात करेंगे, सिर्फ मैरीटाइम सेक्टर एज अ होल, जिसके अंदर वही मैंने आपको बताया कि एक छोटे फिशरमैन से लेके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये सारे इंक्लूड हैं, वहाँ हम अवॉइड कर देंगे इस पॉइंट को। अगर माइक्रो में कोई सवाल आया तो मतलब डिपेंड करता है कि पूछा क्या गया, क्या बनाने को बोला है आपको, फिर आप इंग्रेडिएंट चुनोगे बाद में। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल है, कार्गो हैंडलिंग जापान की इंडिया से ज्यादा है। हाँ, उसके पास ऑनट्रे पोर्ट्स हैं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स का नाम सुना होगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हम वही ट्राई कर रहे हैं, अमृतकाल विजन के अंदर शायद लिखा होगा यहाँ पे। हाँ बच्चे, सेकंड पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट। मेगा पोर्ट मतलब एक साथ मल्टीपल शिप्स लगेंगी और बहुत ही बड़ा होता है मेगा पोर्ट ना एक। सी, ये सारे छोटे 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 टाउन्स हैं ये, और ये पूरा ही पोर्ट है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये टाउन्स हैं और ये पूरा पोर्ट है, और ये वहाँ पे चैनल बनता है, तो ये काफ़ी ह्यूज डील होती है ये, राइट? ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शिप वहाँ पे आई है, वो अपना सामान अनलोड करेगी, और फर्दर वो सामान अगर आगे जा रहा है तो दूसरी शिप में लोड होता है, तो अनलोडिंग होती है पहले फिर लोडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। शिप चेंज होती है बेसिकली सामान के लिए, जैसे मुंबई में होता है, मुंबई घूमे हो, देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे उनके ना यूनियन के वो बटे हुए हैं कि इसके बाद में ऑटो नहीं जाएगा और उसके बाद में इधर से काली पीली नहीं आएगी, हाँ टैक्सी को बोलते हैं उधर, राइट? एंड इफ़ यू एवर गो टू मुंबई, जो कि अगर आप उसमें IDS वगैरह बनते हो तो आपको वहीं से होकर निकलना पड़ेगा, आई थिंक IDS का मुंबई में ही है या पुणे आई गेस, तो द वे दे कॉल यू, जैसे आप सड़क के किनारे पे खड़े हो, जैसे आप कुत्ते को बुलाते हैं ना यहाँ पे, पहली साउंड से
दे कीप ऑन डूइंग इट. जो पहली बार जाते हैं उसका दिमाग ही खराब हो जाता है उधर जाके, और खासकर गर्म लोग यहाँ वाले हरियाणा पंजाबी कि बोल कैसे दिया है ना, तो एयरपोर्ट से दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा आपका कि यार ये कर क्या रहे हैं. नेक्स्ट डे यू विल गेट यूज टू इट, फिर आप मजाक करोगे इस बात से. तीसरे दिन तुमको बुरा लगेगा कि यार यही है. ठीक, चौथे दिन में वापस आ गया था मेरा मन. आई कुड नॉट, मतलब तभी मैं आपको बोल रहा था कि ये जिस जगह पे हम लोग रहते हैं दिस डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिया एट ऑल. ना ही ये फाइनेंशियल कैपिटल को, ना ही ये नेशनल कैपिटल को कर रहे हैं. जो टॉप सिटीज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंट नहीं करती ये जगह, लोअर वालों को भी रिप्रेजेंट नहीं करती है. ये तो कुछ और ही है, ये वेकेशन स्पॉट है एक तरह से इंडियंस का. दिस इज यूरोप. आइए बच, यहाँ पे आप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साइड पे एरो डाल के लिख सकते हैं एंट्री पोर्ट, ENTRE. हालांकि ये आई थिंक आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है, ये आप डिटेल में पढ़ते हो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स है ना, पढ़ी है अब तक? और उसमें आते हैं उसमें से सवाल, डायरेक्ट सवाल आते हैं वो पर्टिकुलर एक NCERT सबसे क्या वर्ड बोलूं जिससे आपको समझ में आ जाए जो मैं सोच रहा हूं, मैं बोल नहीं सकता. जो बड़ी कुत्ती NCERT है वो एक, उसमें से इतने सवाल आते हैं. और मतलब बहुत सिंपल लगता है तुम्हें कि उसमें बता दिया कि कनाडा के अंदर एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है, यहाँ से वहाँ जाती है, बीच बीच में ये शहर पड़ते हैं उसमें, डन, वहाँ पे बात खत्म होगी. UPSC उन हर एक शहर की विशेषता पूछ लेता है, NCERT में नहीं गिवन. वो बता देगा कि यहाँ से लेके वहाँ तक का है, लेकिन किस, और वो है उसके लिए आपके ट्रेड के लिए कि एक जगह से वो मछली उठाता है, एक जगह से वाइन उठाती है, और फिर वो दूसरी जगह ले जाता है, वहाँ पे पोर्ट है और वहाँ से इंटरनेशनली शिप हो जाता है. तो ईच एंड एवरी टाउन नीड्स टू बी स्टडीड. आइए बच्चे आगे देखते हैं. द समिट डिस्कस्ड एंड डेलिब्रेटेड की इश्यूज ऑफ, अब देखिए इश्यूज कौन कौन से उनको लग रहे हैं. द मैरीटाइम सेक्टर, उसने जो हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस करी है मैरीटाइम सेक्टर की, वही प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा कोई है नहीं है और, राइट. डीकार्बनाइजेशन, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड शिपिंग, शिप बिल्डिंग, राइट, जो आप बच्चे पॉइंट बोल रहे थे वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा. रिपेयर एंड रिसाइकलिंग, राइट, और लास्ट में आपका फाइनेंस, इंश्योरेंस और आर्बिट्रेशन, मैरीटाइम क्लस्टर. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ अ नाइटमेयर नाउ कि अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और जिसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई आपका सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व नहीं है, लाइक इफ़ यू आर नॉट ऑर्डरिंग फ्रॉम अमेजोन और समथिंग, राइट, जो आपके बिहाफ पे शिपमेंट हैंडल करती है, अगर आपने डायरेक्टली वहाँ पे फ़ोन किया किसी को कि आपने ये सामान पैक कर दो और मुझे शिप कर दो, इट्स अ नाइटमेयर. 7-8 फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं, 2-3 इंटरव्यूज के लिए जाना पड़ता है ना, अनलेस एंड अनटिल यू हायर अ मिडल मैन विच विल कॉस्ट अराउंड, लाइक अगर तो आपकी आइटम 1 लाख से कम है तो अराउंड 1 लाख ही लग जाएगा, तभी आपकी कॉस्ट डबल हो जाती है. ऑल्सो यू कैन राइट अ फैक्ट हेयर, 95% ऑफ, टॉप पे लिख लीजिए इसको, 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम, वजन, ट्रांजिट्स बाय सी. ठीक है बच्चे, आज सारे टॉपिक बहुत सिंपल होने वाले हैं सीमिंगली, ठीक है. इन पे जब आपको सवाल आएगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, है ना, राइट. जैसे अभी मैंने जब बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस में 2 अलग सवाल बना दिए थे, राइट, और दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, हाउएवर दे मे सीम सिमिलर, राइट. तो आज सारे टॉपिक्स में अपने समझने का काम ज़्यादा करना है ना. ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से. ब्लू इकॉनमी हमने बहुत बार लिखा है, मैंने आपको एज इट इज़ वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन दी है. वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन हमने करी नहीं थी, हमने UN वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, वर्ल्ड बैंक की मैंने आपको दे दी है, जोन सी याद रहेगी वो रख लेना. नेक्स्ट, कंट्री हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स, कौन कौन से हैं ये मैंने आपको पहले भी कहा था, इसको नॉर्थ से साउथ लगा लेना, ठीक है. और जब आप नॉर्थ से साउथ लगाओगे बच्चे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे
एक पोर्ट अगर मान लो यहाँ पे है राइट, और इसके नीचे आप तो ऐसे लाइन में याद करोगे, सो देयर माइट बी अ पोर्ट जो कि इधर होगा, है ना। तो आपने इधर के लग करे होंगे, इधर के लग करे होंगे, तो एक बार इसको देख लेना कि एक्चुअली नॉर्थ साउथ बनता क्या है। तो यूपीएससी वो पूछेगा आपसे, करा हुआ यूपीएससी ने काम ये लेक्स के मामले में किया था राइट, लास्ट में जाके ये वेम्बनाड अष्टमुडी है ना, पुलिकट और ये जब जिस लाइन में आते हैं ना, तो लास्ट में जाके वो कर्व लेता है एक, तो ऊपर नीचे हो जाती हैं लेक्स। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो जब आप लगाओगे तो ये आपका काम है, सीधा सीधा आप ये इस कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे मत ऊपर नीचे कर देना, सबको मैप रख के कर देखना कि एक्चुअली ऊपर कौन है नीचे कौन है। मुबारक हो, आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल चुके हैं अगर ये काम आपने कर लिया तो। आएगा ये सवाल? इसके अलावा यहाँ पे 9 कोस्टल स्टेट्स बोला गया है इंडिया में है, कौन कौन सी है फटाफट अगर मेरे को बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये रहने दो, बची कौन सी है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है पक्का, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और एक रहेगी। हाँ, ये कैसे भूल गए तुम लोग, कभी तो घोई नहीं गए प्लान कैंसिल। गोवा इकलौती स्टेट जिसका नाम हर जवान लोग के उसके मुंह पे रहता है। और कोई स्टेट का नाम शायद किसी ने बोला हो ना हो कभी, गोवा सबने बोला हुआ है। चले बच्चे आगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है हमने, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ये। इसमें मिनिस्ट्रीज नोट करनी है हमने मेनली, और कहां पे हो रहा है। सेतु बंधन स्कीम है जहां पे 7 ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, कहां पे? इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, इसको स्टार मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लीजिए किसी तरह। यूटिलाइजिंग द फंड्स फ्रॉम सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको पहले सेंट्रल रोड फंड के नाम से जाना जाता था, वैसे बाद में ये जोड़ दिया गया इसके अंदर। अच्छा, नीचे मेंशनड है, बच्चे नीचे आइए सबसे। एस्टैब्लिश्ड इन 2000 थ्रू द सेंट्रल रोड फंड एक्ट। कैसे फंड होता है ये? द फंड इज फाइनेंस थ्रू असेस, ठीक है जी, जो कि आपकी एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और उसके ऊपर सेस लगता है, उससे जो फंड आता है वहां से होता है राइट। जो फंड है दैट इज मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मेंशनड है उसके अंदर 3rd पॉइंट के अंदर, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। जो प्रोजेक्ट है, जो फंड को यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट मिनिस्ट्री राइट। क्यों ये मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट मिनिस्ट्री जो यूटिलाइज कर रहा है, मेंटेन करता है इसको दूसरी मिनिस्ट्री, फॉर ऑब्वियस रीजन सेस लगा हुआ है राइट, तो इट मेक्स सेंस। क्या है सेतु बंधन? इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज राइट। इट्स प्राइमरी एम इज टू एनहेंस इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। इंटर स्टेट को जरा गोला मार लो, ब्रिज अरुणाचल में बन रहे हैं लेकिन ये प्रोजेक्ट इंटर स्टेट है, ठीक है। लेट मी हाईलाइट अ स्मॉल ट्रेट ऑफ योर्स आपके सामने, कंसिडर मी अ मिरर राइट। सो अभी तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, जब हम ऐसे क्लास में बैठे होते हैं या घर में पढ़ रहे होते हैं तो हम ऊपर ऊपर से ग्लाइड करते हुए जाते हैं, बट वेन द पेपर कम्स आपके हाथ में तो आपकी आदत है आप हर एक लाइन को ना बड़े ध्यान से कि इज है, वॉज है, या इसने क्या पूछा हुआ है, तो बहुत ध्यान से जाते हो, तो वहां पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम लाइन अगर आपको अभी मैं ना हाईलाइट करवाता कि इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है, तो शायद आपके दिमाग में ना आता कि ये इंपॉर्टेंट है राइट। लेकिन अगर ये पेपर में आ गया और यूपीएससी का चल रहा है तो फिर एक बारी का तो आपका दिल धड़केगा कि यार पढ़ा भी है सेतु बंधन, आ भी नहीं रहा, गया अटेम्प्ट, और होगा भी ऐसा ही अगर नहीं करा तो राइट। तो इंटरस्टेट, तो ये हमारी टेंडेंसी रहती है, तो
उस टेंडेंसी को काउंटर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब भी पढ़ो तो इस टाइप की चीज़ें आप साथ के साथ हाईलाइट कर लो जो आपके लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग या काउंटर इंट्यूटिव होती हैं। काउंटर इंट्यूटिव तो पक्का ही मार्क कर लो। कनेक्टिविटी और पर्टिकुलरली इन रूरल बॉर्डर एरियाज, ठीक है, दैट हैव बीन हिस्टोरिकली अंडरसर्व्ड। दैट्स वाई मतलब बाय द स्टेट गवर्नमेंट तभी हमारे को सेंटर की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। और अरुणाचल हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना वीज़ा नहीं देता अरुणाचल के लोगों को, है ना, हमने किया था ये इशू में, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं चाइना उन्हें वीज़ा ही नहीं देता क्योंकि वो मानता ही नहीं है कि इंडिया की टेरिटरी है। अलग से एक पर्ची लगा जाता है उस पे, पासपोर्ट पे, पर्ची पे स्टैंप करता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टेपल वीज़ास, नाइस। मैं भूल गया था वैसे, सच में बताऊँ तो मुझे नहीं याद था, इस बहाने तुम्हारा टेस्ट हो गया, तुमने बता दिया, अच्छा हो गया, नहीं होता मैं तुम्हें ही कुछ डांट वांट देता लेकिन कबूल ना करता। आइए बच्चे, इसका एक एक लास्ट पॉइंट देखिए आप, एम्स टू रिप्लेस रेलवे लाइन लेवल क्रॉसिंग्स विद रोड ओवर ब्रिजेस एंड रेल अंडर ब्रिजेस। रोड ओवर ब्रिजेस में ट्रेन कहां से जाएगी, ये ब्रिज है, ठीक है जी, अब ट्रेन ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी इसमें, व्हाट इज रोड ओवर ब्रिजेस, ट्रेन कहां से जाएगी, हाँ ठीक है, आपकी गाड़ियां ऊपर से जाती हैं, और जो आपका है रेल अंडर ब्रिजेस वो उल्टा है। ऐसी मुझे लगा था शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए इसमें, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, नो लर्निंग इन दैट। आइए बच्चे आगे चले, कुछ भी यहां पढ़ने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन कर लें इस पे, ठीक है, ये दिख रहा है सबको लास्ट तक, आपको दिख रहा है, तो ये जो पोर्ट है ना बच्चे वो यहां पे है, ठीक है, और अगर आप इसमें देखेंगे एक बार, अबाउट जो फर्स्ट है, इट विल बी कंट्रीज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है जी, ये है जी फैक्ट पॉइंट कि ये आपका कंट्री का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। डीप वाटर का मतलब और कुछ नहीं है ज्यादा, वो बहुत मेगा शिप्स जो होती हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिप्स हैं, उनको फिर हम होस्ट कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाते हैं, राइट, उनको हम होस्ट कर पाएंगे यहाँ पे। ट्रांसशिपमेंट जो मैंने आपको पहले बताया, कंटेनर उतरता है कंटेनर चढ़ता है, राइट, तो ये होता है ट्रांसशिपमेंट। अब मुझे बताओ क्या होगा इससे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोर्ट, सब कुछ देखो, मतलब देर इज ए रीजन मैंने आपको मैप दिखाया है पहले, सोचो जरा। मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलना, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पे एक नॉटिकल माइल के अंदर ना, ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सिर्फ इसी एरिया के अंदर 20 मीटर का ड्रॉप आता है, 20 मीटर की डेप्थ आती है, तो मतलब कि, और यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं वो किस तरफ को जाती हैं मोस्टली, तो मतलब जो आपका सेडिमेंट डिपॉजिट होगा वो किधर जाएगा, उस तरफ जाएगा मेनली, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स कम आते हैं। जो ड्रेजिंग की बात करें, ड्रेजिंग समझते हो, किसी भी वाटर बॉडी के नीचे जो सिल्ट होती है उसको जब हम निकालते हैं उसको ड्रेजिंग कहा जाता है ना, दो तीन प्रोसेस से होती है वो, ठीक है, एक तो ये है, ये फैक्ट पॉइंट आई थिंक आपको बाकी को नहीं पता होगा शायद, ये एक सिंपल ज्योग्राफिकल फैक्ट पॉइंट है कि यहाँ पे एक नॉटिकल माइल के अंदर 20 मीटर का ड्रॉप आ जाता है, ठीक है, और बताइए, सोचो। सही बोल रहे हो, बोलो,
किस चीज का कंटेंडर हो जाएगा और किस किसको टक्कर देने की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे बाकी चाइना तो है ही है, उसको तो पूरा वर्ल्ड देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप इसकी मैं कुछ बोलता हूँ फिर देखना अगर आप एग्री कर रहे हो तो, है ना, डिसएग्री करोगे तो बहुत मजा आएगा। यहाँ पे है इसके इस तरफ कौन सा एरिया पड़ता है, गल्फ, राइट। गल्फ के ऊपर कौन सा पड़ता है, यूरोप, राइट। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाएंगे तो इस तरफ कौन सा एरिया पड़ता है, डोंट यू थिंक कि ये सबसे वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ट्रेड करने के लिए। तो अगर हम अपना एक मेगा पोर्ट यहाँ एस्टेब्लिश कर दें विजिंजम, राइट, अगर हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दें तो डू यू थिंक कि इसमें फ़ायदा मिलेगा, नेट सिक्योरिटी कैसे, हाँ वैसे यार ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वो नेवीज का काम है, मतलब आपका डब्बा भर गया है, अब आप बचे हुए बिस्किट तोड़ के डालोगे उसके अंदर, सिक्योरिटी वाला पॉइंट अगर उसमें डाल रहे हैं हम तो डल जाएगा, डब्बे में जगह है। हाँ ये तो बिस्किट तोड़ के ही मानेगा यार, वही काम होता है एंट्रेपोर्ट का, बिल्कुल। और हम क्योंकि हमारे पास लेबर चीप है तो हम शायद थोड़ा सा सर्विसेज चीप कर सकते हैं, और बिल्कुल है वो उसी के लिए कर रहे हैं हम। वो याद है हमने हमने मेंस का एक क्वेश्चन किया था ब्रिक्स वाला, कि कैसे ब्रिक्स जो है वो इंडिया का एस कार्ड है वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए, वो इस तरीके से आंसर होना था कि सुपर पावर होता क्या है। सुपर पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ या डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ नहीं होती, आप एक्चुअली सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हो। यूएस में जॉब्स मिलती हैं लोगों को, लोग जाने के लिए वहाँ पे तरसते हैं कि उधर जाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ये तो सुपर पावर के बहुत सारे आयाम हैं उसके अंदर। दोबारा बोलो क्या पॉइंट था आपका, अभी किसी ने किसने कुछ बोला था इधर, हाँ हाँ जाएगा उसमें, बिल्कुल जाएगा। सही है, मतलब अभी जो हमारे पास पोर्ट्स है ना वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं वो, क्यों, क्योंकि हमने ऐसा अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि हमारा ट्रेड बढ़ेगा। हमने पोर्ट पहले के बना के रख लिए, अब ट्रेड बढ़ गया, अब उन पे आ गया प्रेशर, तभी हम वो क्या बोलते हैं सैटेलाइट पोर्ट्स बनाते हैं, राइट। तो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी सैटेलाइट पोर्ट्स, हम जब पहली बार में बड़ा क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि हमने फोर्स ही नहीं किया। हैव यू एवर सीन, अगर आप कभी किसी भी कॉलोनियल टाइम की बिल्डिंग में गए हो, जस्ट इमेजिन FRI जैसे हो गया फॉरेस्ट, उसमें आपने देखा दो बिल्डिंग्स के बीच में गैप और सड़कों की विड्थ, उस समय गाड़ियाँ नहीं थी, है ना। तो उस विजन की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने फोर्स ही कर लिया कि यार एक समय ऐसा आएगा जब आपको हर किसी के पास गाड़ी होगी, तो उस समय कंजेशन ना हो, राइट। तो इस वजह से आप कोई भी आप कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखोगे उसके अंदर आपको थोड़ा ये हिंट देखने को मिलता है, किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑब्जर्वेशन है, तो आपको हर कॉलोनियल बिल्डिंग में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हमने फोर्स ही नहीं किया था कि हम अच्छा भी कर सकते हैं, जैसे दैट इज़ वाई आप लोगों से आंसर लिखवाया जा रहा है, क्योंकि आई एम 100% श्योर नोबडी इज़ फोर्सिंग देमसेल्फ क्लियरिंग प्री राइट नाउ। लेकिन अगर हो गया, जो कि होगा भी, तो जब हो गया फिर आपको समझ नहीं आएगा कि अब करना क्या है। लेकिन अगर ये सब कर रखा होगा जो हम एक्टिविटी करते हैं, तो आपको रिवाइज ही करना है कि यार ये मेरा राइटिंग स्टाइल है, ये टॉपिक्स मेरे ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि जो 12-13 डिबेट्स चल रही हैं इंडिया में वो सारी आपके सामने रख दूँ, उसको रिसर्च मारो, आंसर लिख दो, उसके बाहर नहीं आता कुछ भी। ठीक है बच्चे, आइए। हाँ जी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और हमने जो ये एक साइड पे लिख लीजिए जरा ए वाला पॉइंट,
द पोर्ट इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये मैं आपसे चाह रहा था कि आप ये मेरे को नाम दे दो, पर आई गेस ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं. द पोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंपीट विथ कोलंबो, वो भी एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और एक बहुत मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट साउथ ईस्ट एशिया का. छोटी सी कंट्री है दिल्ली से छोटी, एरिया में कंट्री है दिल्ली से छोटी है, सिंगापुर. सिंगापुर एंड दुबई. तो इन एरियाज अगर यहां पे आपने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो ये सीधी टक्कर है इनको. ठीक है, एक सेकेंड पॉइंट और लिख लो. इट हैज प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स. शिपिंग रूट्स कनेक्टिंग यूरोप, गल्फ, एंड ईस्ट एशिया. ठीक है बच्चे, वापस आइए डॉक्यूमेंट के अंदर. अच्छा, आप तो डॉक्यूमेंट में ही होंगे, है ना. सेकंड पॉइंट देखिए, पीपीपी मॉडल के तहत बनेगा ये, राइट, एंड इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ त्रिवेंद्रम और द एक्चुअल नेम थिरुवनंतपुरम. ऑल वेदर पोर्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ऑल्सो बच्चे, इट इज नोन एज द पोर्ट ऑफ द फ्यूचर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ये पीसीएस वाले खासकर ध्यान रखें, ये आपको सवाल आ सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ द फ्यूचर, चार ऑप्शंस, राइट, तो वहां पे सवाल आ सकता है. इसके अलावा देर इज अनदर पोर्ट यहीं पे जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, इसी साइड पे है. कौन सा पोर्ट है वो? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं. क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं उसको, सर्च कर लेना. यहां पे बच्चे वो वाला पॉइंट मिसिंग है जो इन्होंने बताया था, राइट, वो लिख लेते हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है. The port satisfies, मतलब ये इन जनरल अगर आपने पोर्ट बनाना है ना तो ये सब देखना जरूरी होता है जो अब हम लिखने वाले हैं. As you all know that जो IAS officer होता है, he is क्या बोलते हैं उसको, jack of all trades, वो नहीं बोलना हमने, तो ये आपको jack ही बनाया जा रहा है यहाँ पे. Satisfies क्या लिखा है हमने, द पोर्ट सेटिस्फाइज, ठीक है. द फिजिकल एंड हाइड्रोग्राफिकल पैरामीटर्स, दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट. द पोर्ट सेटिस्फाइज द फिजिकल एंड हाइड्रोग्राफिकल पैरामीटर्स ऑफ मॉडर्न सी पोर्ट्स. अब इसके ना सब पॉइंट्स बना लेना, क्या क्या हैं इसमें वो देख लेते हैं हम. मिनिमल लिटोरल ड्रिफ्ट, नियर टू नो ड्रेजिंग रिक्वायरमेंट, सेकंड पॉइंट. Proximity to international sea routes,
लास्ट पॉइंट, लिंक्स टू नेशनल स्लैश रीजनल रेल स्लैश रोड नेटवर्क्स। बच्चे हमने दो तीन टॉपिक पोर्ट्स पे किए हैं अभी, है ना, और लेट्स राइट अबाउट दी इनिशिएटिव्स इन दी मरीन सेक्टर। ये आपने जहाँ लिस्ट बनानी है आप बना लो, ये आपको अपने आप से टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने हैं। रीसेंट इनिशिएटिव्स इन मरीन सेक्टर, जो मरीन सेक्टर हाईलाइट हो रहा है तो मरीन सेक्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यही टॉपिक्स हैं जिन पे आएगा। एक तो सागरमाला, नंबर वन सागरमाला, सागर सेतु ऐप, सागर सेतु ऐप। नेक्स्ट इज मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट, बहुत रीसेंट एक्ट है 2021, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021। जिसने जिसके बारे में पढ़ा हुआ है वो चाहे लिस्ट मत बनाना। यार वो था ना एक हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। इंडियन वेसल्स एक्ट, ये लिख लिया क्या हमने? नहीं, इंडियन वेसल्स एक्ट 2021। एकम अंडमान निकोबार के अंदर भी ऐसा प्लान कर रहे हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर वो लक्षद्वीप के अंदर थोड़ा सा पंगा हुआ था ना, कि वो कुछ डेवलपमेंट करना चाह रहे थे इसको मालदीव्स के और मॉरिशियस टाइप से, राइट, तो बहुत बैकलैश आया था कम्युनिटी से। वैसा ही एक बैकलैश देखने को मिल रहा है आपका अंडमान निकोबार के अंदर, बिकॉज देर इज़ अ बे कॉल्ड गैलाथिया बे, राइट, तो वहाँ पे एक ट्रांस मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात हो रही है, राइट, लिख लीजिए इसको इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गैलाथिया बे, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये डिबेट है एक गैलाथिया बे वाली, तो आप गैलाथिया बे और आसपास के आइलैंड्स ये सब कुछ कवर कर देना एट गैलाथिया, जी ए एल ए टी एच ई ए। यहाँ पे गैलाथिया बे इज द नेस्टिंग साइट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आपका वो लेदर बैक टर्टल्स, राइट, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है गैलाथिया बे, क्योंकि शिपमेंट अगर टॉपिक एक्टिवेट हो गया है तो ये दो चार मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, इस पे तो काम शुरू हो गया है, उस वाले पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शुरू हो गया है जो दूसरे गैलाथिया बे वाला प्रोजेक्ट है, राइट, तो अगर सवाल आएगा तो इन दो पे ही आएगा। ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा तो वो जो हमने अभी रैपिड ट्रांजिट वाला सिस्टम किया था उस पे आ जाएगा, राइट, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने जो भी इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं शहर हैं वो सारे कवर कर लेना, क्योंकि इन पे सवाल आएगा, राइट, और सिंपल माना जाएगा अगर इन पे सवाल आया तो, एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है उस पे बस। ठीक है जी, कर लोगे?
वाइडर इंडिया लेवल पे जो इम्प्लीकेशन रहेगी इन पोर्ट्स की, वो आप इकोनॉमिक एंगल से लिख दोगे उसको, है ना, कि ट्रेड, जो भी ट्रेड बढ़ने से जो कुछ भी होता है वो तो मतलब सम अदर रूल्स आर गवर्निंग दैट. ट्रेड बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आने से क्या होता है, तो वो एक अलग से एंगल बनता है एक, राइट, ये उसमें हेल्प करेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री, मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.